कैसे हो आप लोग, मैं हूं मुसा सलीम, स्वागत करता हूं आप लोगों इस चैनल पे। आज करने वाला हूं Redmi Note 5 Pro। जी हां दोस्तों, जिसका डिमांड अभी मार्केट में बहुत ज्यादा है, हाइप बहुत ज्यादा है, तो उसका करने वाला अनबॉक्सिंग। तो ये आप पैकेज अब देख सकते हो, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया हूँ, फ्लिपकार्ट से मिला है मेरे को लास्ट सेल में, मतलब जो 28 फरवरी में जो सेल था उसमें मैंने लिया हूँ। बहुत टफ सेल गया है लेकिन हम लोगों को मिल गया है, तो चलिए कर लेते हैं उसका अनबॉक्सिंग। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर प्राइस भी लिखा है 13999। आपको यहाँ पर देख कर ही पता चल जाएगा जो यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट से लिया हूँ। तो चलिए मैं खोल लूँ। बस बॉक्स लगभग ओपन हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। बस बॉक्स में जैसा यहाँ पे मिलता है नोट 5 प्रो, रेडमी नोट 5 प्रो। ये 4GB 64GB वेरियंट है, ठीक है। अभी तक 6GB का वेरियंट का अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेडमी नोट 5 प्रो लिखा है। बस फोन में बस पिक्चर दिया हुआ है चारों। फाइनली बॉक्स ओपन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे मिल जाता है कुछ चीजें। तो क्या चीज़ें यहाँ पे है, दिया हुआ है एक प्रोटेक्टेड आपको सॉरी बैक कवर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। एक अच्छा बात है, Redmi ने अनाउंस कर दिया है जो आगे का जो जो हैंडसेट आएगा वहाँ पे प्रोटेक्टिव जो केस रहता है वो आपको देगा। तो बस सॉफ्ट एक सॉफ्ट कवर मतलब आपको मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्सिंग। तो बस ये है एक्चुअल फोन, तो बस आप यहाँ पर देख सकते हो ये है Redmi Note 5 Pro। क्या दोस्तों, फुल व्यू डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है, 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जो आपको 403 PPI डेंसिटी इसका है, एंड इसके साथ साथ जो 1080x2160 इसका रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पे पीछे की तरफ आपको मिल जाता है यहाँ पे दोनों कैमरा, एक है 12MB वाला कैमरा एंड एक है 5MB वाला कैमरा, जहाँ पे आपको LED फ्लैश मिल जाता है, यहाँ पे डुअल LED फ्लैश, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का पोजीशन यहाँ पे मिल जाता है। चलिए इसको भी हटा लेता हूँ। तो बस ऐसे आपको मिलता है, यहाँ पे MI का लोगो दिया है नीचे, बस ऐसे ही मतलब कुछ एंटेना बैंड दिया हुआ है। एंड आपको नीचे की तरफ आपको जो मिलता है पोजीशन यहाँ पे आपको देख सकते हो, स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो आपको जो यहाँ पे USB स्लॉट जो दिया हुआ है, microSD स्लॉट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एंड यहाँ पे आपको यहाँ 3.5mm ऑडियो जैक दिया हुआ है, एंड यहाँ पे आपको जो प्राइमरी माइक्रोफोन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फोन का लुक ओवरऑल। साइड की तरफ आपको मिल जाता है जो सिम कार्ड का स्लॉट मतलब सिम कार्ड कट यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे आपको यहाँ पे हाइब्रिड स्लॉट मिल जाता है। अगर आप दोनों सिम कार्ड लगाओगे तो आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हो, अगर आप एक सिम कार्ड लगाओगे तब आप एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो जो एक्सपेंडेबल है अप टू 256GB। यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है 20MP का कैमरा दिया हुआ है, ठीक है, 20MP का कैमरा दिया हुआ है, जहाँ पे आपको सॉफ्ट LED फ्लैश के साथ जो फ्लैश आपको मतलब 4500K तक आपको मतलब लाइट आउटपुट देगा। तो जहाँ पे आप एक अच्छा सेल्फी ले पाएंगे तो 20MP का कैमरा है, शायद आप अच्छे ही सेल्फी ले पाओगे। यहाँ पे दिया हुआ है आयर ब्लास्टर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन जो लेके यहाँ पे दिया हुआ। चलिए कर लेता फोन को ओपन, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो और भी चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे आपको वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस के बटन, एंड यहाँ पे आपको पावर वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो बस यही है फोन का कुछ लुक, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो फोन का लुक ओवरऑल ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए फोन को अभी ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक प्री अपील स्क्रीन प्रोटर लगा हुआ है, एंड इसका जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 636, जो इसका प्रीडेसेसर जो प्रोसेसर है 625 से बोलता है 40% मोर अच्छा है। तो एक्चुअल रियलिटी में कितना अच्छा काम करेगा वो तो देखने का बात है, वो बाद में पता चलेगा कुछ दिन यूज करने के बाद। तो अच्छा बात है, एंड यहाँ पे बैटरी जो दिया है 4000mAh, वो भी एक अच्छा चीज़ है। तो चलिए इसको सब हटा लेता हूँ। और एक चीज़ जहाँ पर आपको दिखा देते इसके अंदर में, आप यहाँ पे बॉक्स में जो पैक होगा कुछ मतलब नॉर्मल जो चीज़ें यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कौन सा स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है, बस यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कुछ यूजर गाइड वाइड दिया हुआ है कुछ चीज़ें, एंड यहाँ पे आपको दिया है जो केबल जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए आप microSD दिया है, जो कि डिसअपॉइंटमेंट आप कह सकते हो क्योंकि अभी आजकल के ज़माना में USB टाइप सी का ज़माना आ गया है। तो जहाँ पे आप लेकिन यहाँ पे नॉर्मली USB टाइप जो दिया है 2.0, एंड यहाँ पे आपको 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का जो चार्जर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो उसका आउटपुट है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का। तो इसका एक बात क्या, और बॉक्स में आपको मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बस बॉक्स का पूरा नीचे एकदम दे दिया है सिम इजेक्टर टूल, एंड सिम कार्ड का स्लॉट भी आप देख सकते हो, आपको देख कर पता चल जाएगा जो ये एक हाइब्रिड स्लॉट है, जहाँ पे आप या दो सिम कार्ड या एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, मतलब टोटली हाइब्रिड स्लॉट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो फोन लगभग ओपन हुआ है, MIUI 9 डिस्प्ले है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जो इंडिया कर लेता हूँ, चलिए इंडिया
एंड यहाँ पे जो आपको मतलब एंड्रॉइड सिस्टम का जो मिलता है, जो आपको नोगाट का सपोर्ट मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, नोगाट 7.1.2 आपको यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन आपको एक बुरे बात यही है, जो यहाँ पे आपको ऑडियो का सपोर्ट, मतलब अभी तो ऑडियो का अपडेट नहीं आने वाला है, कुछ दिन बाद शायद आ सकते हैं। एंड और एक बात, फेशियल रिकॉग्निशन के लिए अपडेट बहुत जल्दी आएगा, जो मार्च का एंड तक आपको आ जाएगा, तो बहुत जल्दी आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ यही। एंड चलिए फिंगरप्रिंट सेट कर लेते हो, दिखता हो पिन के साथ मैं कर लेता हूँ, पिन यहाँ पे दे रहा हूँ, गॉट इट नॉट नाउ सॉरी रिमेंबर योर पासवर्ड 1234। चलिए सेटअप कर लेता हूँ, अच्छा पोजीशन तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पोजीशन में यहाँ पे दिया है, तो आप बस डिफरेंट एंगल से प्लेस कर लीजिए आपका फिंगर, तो बस हाँ फाइनल सेटअप हो गया है। तो बस क्लिक कर दीजिए, चलिए यस, प्रोटेक्टिव केस जो है यहाँ पर देख सकते हैं लगा हुआ, एक अच्छा प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, एटलीस्ट एक मिनिमम प्रोटेक्शन आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोटेक्ट पूरा एकदम क्लियर है। तो चलिए तो आ गया है होम पेज, देख सकते हो डिस्प्ले कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है, ठीक है। तो सेटिंग पे चला जाता हूँ, यहाँ पे देखा जाए तो देखिए अबाउट फोन में अगर जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा Redmi का Note 5 Pro 7.1.1 एक्चुअली आया है, 1.2 का अपडेट भी शायद आने वाला है, एंड 1.8 GHz का जो octa-core बेस्ड प्रोसेसर है यहाँ पर आपको मिल जाता है, 4GB का रैम है, 53.14GB अवेलेबल है स्टोरेज के अंदर, 4GB स्टोरेज के अंदर। एंड यहाँ पर आपको जो आपको पैच के पहले सिक्योरिटी पैच मिलता है आपको दिसंबर का मिल जाता है, 5 दिसंबर 2017 का पैच आपको मिल जाता है, MIUI 9.2 का यहाँ पे मिल जाता है, एंड स्टेबल वर्जन है यहाँ पे 9.2.4 आपका। और एक अच्छा बात, यहाँ पे आपको GPU मिलता है एड्रेनो का 5 का GPU मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। एंड चलिए स्टोरेज में देखा जाए तो कितना फ्री है यहाँ पे, तो देख लीजिए आप यहाँ पे स्टोरेज है 53.14GB अवेलेबल आपको ये स्टोरेज यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर आप रैम यहाँ पे, तो रैम का कितना फ्री है यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे रैम यहाँ पे नहीं दिखा रहा, चलिए सेटिंग पे जाकर मैं दिखा देता हूँ रैम। तो अभी दिक्कत यही है MI पे आपको मतलब बाहर से आप दिख नहीं सकते हो कितना रैम फ्री है, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सिक्योरिटी के अंदर, जहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे बूस्ट स्पीड पे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा शायद रैम। या दोस्तों यहाँ पे 2.2GB के आसपास यहाँ पे फ्री मिल जा रहा है, मैंने ऑलरेडी एक बूस्ट क्लीन किया हो, मतलब बूस्ट स्पीड किया हो, तो उसका बाद मेरे को मिला है 2.2GB, लेकिन इसका पहले जो मिलता था 2GB के आसपास आपको मेरे को रैम फ्री मिल जाता था। आजकल तो MI का ही जमाना है, MI का ही हैंडसेट सभी लोग यूज़ कर रहा है, तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में Note 5 Pro का, अभी तो मिल ही नहीं रहा है सेल पे, फ्लैश सेल पे। तो चलिए ऑन कर लेते हो आप कैमरा को, क्योंकि कैमरा मेन हाईलाइट चीज़ है, तो चलिए कर लेते। आप यहाँ देख सकते हो जो यहाँ पे Note 5 Pro का जो बॉक्स का मैंने फोटो लिया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरऑल क्वालिटी ठीक ठाक आया है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऊपर के साइड में आपको यहाँ पे ब्लर होगा ही यहाँ पे, तो जो भी है एक बॉक्स है वो उतना भी समझ नहीं पाया फ़ोन। तो ओवरऑल जब जो बात है देख सकते हो जो यहाँ पे विदाउट पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे लिया हुआ है फोटो, तो फोटो तो ओवरऑल ठीक ठाक है मेरे ख्याल से, आपको मतलब कि अच्छा कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये फोन कैमरा। तो जो भी है यहाँ पे और भी एक अच्छा बात, यहाँ पे ब्यूटीफाई का इंडिया के लिए खास करके बनाया है, उन लोग बोलता है ब्यूटीफाई 4.0 आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो और भी अच्छा ब्यूटी मोड आपको दे देगा, आपका फेस जैसा भी हो आपका फेस तो हमेशा एकदम एक क्लास लगेगा। तो जो भी है तो एंड यहाँ पे एक बात आपको जो सभी की जो यहाँ पे है सब स्क्रीन के अंदर ही है, कोई भी यहाँ पे तो आपको शायद पता है फुल व्यू डिस्प्ले, आपको कोई भी की नीचे की तरफ या कोई मतलब जो एंड बस यही है। एंड और एक अच्छा बात यहाँ पे शायद अच्छा बात नहीं शायद बुरा बात, यहाँ पे नोटिफिकेशन LED का लाइट नहीं, यहाँ पे नोटिफिकेशन LED का लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नोटिफिकेशन LED नोटिफिकेशन लाइट आपको यहाँ पे ऑन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जैसे कि शायद आपको यहाँ पे वाइट एक नॉर्मल जो नोटिफिकेशन आपको मिलता है वैसे ही मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा जो जैसा ऑन क्लास या कुछ और ब्रांड में देता है वैसा आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, तो लेकिन चलिए तो एक नोटिफिकेशन LED दे देगा बस, तो भी एक प्रीमियम चीज़ है। इसका जो थिकनेस है आपको शुभ पता है 8.1 मतलब 8.1 mm का थिकनेस ही आपको मिल जाता है, इसका वेट है 181 ग्राम इसका वेट है। एंड और एक बात ये यहाँ पे सार वैल्यू, सार वैल्यू कितना दिखा देता हूँ मैं आपको, ओके वो मिल जाएगा सार वैल्यू जो है इंडिया का सार वैल्यू जो दिया है 1.1 ग्राम पर लिमिट जो है 1.6 पर केजी, सार वैल्यू जो है यहाँ पे मतलब लिमिट जो है 1.6 W पर केजी, लेकिन यहाँ पे सार वैल्यू दिया है 1.1
188 W per kg. तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा तो बस यही है फोन कुछ लुक एंड फोन का बस डिटेल्स डिटेल्स को जो बाद में आना पड़ा है एंड फिंगरप्रिंट तो बहुत ही अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं आप लोग बहुत लोग मतलब पूछते हैं कि फिंगरप्रिंट कैसा है लेकिन बहुत ही अच्छा तरीके से फिंगरप्रिंट काम कर रहे हैं आवाज़ देख कर ही पता चल जाएगा होगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड और वीडियो के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर रखें ताकि मैं भी लोगों ऐसी वीडियो मतलब और भी डिटेल्स में रिव्यू लेकर आ सकूँ एंड करा लूँ और भी जो मोबाइल है कुछ अनबॉक्सिंग लेकर आ सकूँ तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस टू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट ऑन लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब थैंक यू गाइस थैंक यू